हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप अब करीब आते जा रहा है, 5 अक्टूबर को इसकी होगी शुरुआत। और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जो वर्ल्ड कप में कर सकते हैं डेब्यू भारतीय टीम की तरफ से। तो अगर कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पे जो भारतीय टीम की तरफ से मचा सकते हैं इस वर्ल्ड कप में तहलका। मोहम्मद सिराज, जिन्हें एक समय पे जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा था, वो भारतीय टीम के नए अटैकिंग तेज गेंदबाज के रूप में सामने आए हैं। मोहम्मद सिराज ने अभी तक ओडीआई में 24 मैचेस में 43 विकेट लिए हैं, जिनमें उनकी इकोनॉमी 5 से भी कम है और एवरेज 20 के आसपास। अगर आईसीसी ओडीआई रैंकिंग की भी बात की जाए तो मोहम्मद सिराज अभी दूसरे पायदान पे हैं, इसलिए उनका वर्ल्ड कप डेब्यू होना लगभग निश्चित है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी गेंदबाज की छत्र छाया में वो और भी निखर कर सामने आएंगे। शुभमन गिल, अब इन्हें कौन नहीं जानता, भारतीय क्रिकेट टीम के अभी ये चेहरा हैं। इनकी प्रतिभा की चर्चा हर जगह है और हर कोई सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा है। अगर शुभमन गिल के ओडीआई करियर की बात करें तो अभी तक उन्होंने 24 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 1311 रन बनाए हैं 65.5 की औसत से, और उनका हाईएस्ट स्कोर है 208 रन। अब ऐसे रिकॉर्ड्स के साथ शुभमन गिल को वर्ल्ड कप में डेब्यू करने से कौन ही रोक सकता है। हम सब चाहते हैं कि जिस फॉर्म में शुभमन गिल हैं वही फॉर्म वो वर्ल्ड कप में भी जारी रखें। शायद शुभमन गिल हमें रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर उनका फॉर्म जारी रहा तो एक बार फिर से भारत वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है, जो हम चाहते हैं। सूर्य कुमार यादव, इंडिया का मिस्टर 360 डिग्री, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं इनके बेबाक अंदाज की वजह से। अगर इनके ओडीआई रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने 21 इनिंग में 433 रन बनाए हैं 24 के औसत से, जिसमें हाईएस्ट स्कोर है 64 रन, जो कि इनकी टैलेंट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। हम सब जानते हैं कि स्काई अगर अपनी फुल फॉर्म में आ जाए तो वो क्या कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ग्राउंड की हर दिशा में शॉट्स लगा सकते हैं, बॉलर के माइंडसेट के साथ खेल सकते हैं, उन्हें मजबूर कर सकते हैं अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज में बॉलिंग करने के लिए, और इसलिए वो साबित होते हैं वर्ल्ड कप 2023 के लिए इंडिया के बिगेस्ट एसेट। और अगर 2023 के वर्ल्ड कप में स्काई अपनी फुल फॉर्म पे खेल जाए तो वो इंडिया के लिए बहुत बड़े एसेट साबित हो सकते हैं। तो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। आपके क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप भी भारत को वर्ल्ड कप 2023 को जीतते देखना चाहते हैं तो हमें कर लीजिए सब्सक्राइब। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो में, आप देखते रहिए क्रिकेट मसाला।